चलिए शुरू करते हैं जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा वो था मोशन इन वन डी उसमें हमने एक डायमेंशन मतलब एक डायरेक्शन में जब मोशन हो रहा था उससे रिलेटेड सारी बातें करी थी तो हमने उसके सारे इक्वेशंस देखी हमने रिलेशंस देखे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन का बहुत सारे इक्वेशंस देखी डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथड हमने उसको यूज किया अब हमारा जो नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर इज मोशन इन टू डायमेंशन जैसे मोशन इन प्लेन भी कह सकते हैं मोशन प्लेन ऐसा भी कहा जा सकता है या टू डायमेंशन इसे बोला जा सकता है एक प्लेन मतलब एक सरफेस एक सरफेस पे होने वाला मोशन एक टू डायमेंशन में होने वाला मोशन ये हम पढ़ने वाले हैं तो ये मोशन कैसा हो सकता है तो अगर मैं बात करूं

किसी भी प्लेनर मोशन को पढ़ने का जो बड़ा आसान से तरीका है वो तरीका है कि इसे आप दो वन डी मोशन में डिवाइड कर दो क्या कर दो टू वन डी मोशन कैसे कैसे वन डी मोशन तो एक वन डी मोशन आप कर दीजिए टूवर्ड्स एक्स एक्सिस दूसरा कर दीजिए टूवर्ड्स वाई एक्सिस या जो भी प्लेन है जिसमें मोशन हो रहा है उस मोशन उस प्लेन के दो एक्सिस आप बना दीजिए लेट्स से आपकी स्क्रीन अगर यह है तो इस स्क्रीन पे मैं दो डायमेंशन दो डायरेक्शन बना सकता हूँ दिस 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 तो जो पूरा मोशन इस ऑब्जेक्ट का हो रहा है इस पूरे मोशन को मैं दो एक्सिस के अलोंग देख सकता हूँ एक अलोंग एक्स एक्सिस एक अलोंग वाई एक्सिस और एक एक्सिस यानी वन डी मोशन तो हम पढ़ चुके हैं अच्छे से वन डी मोशन तो हमें बड़े अच्छे से आते हैं हमको सारी क्वेश्चन पता है तो यही हम यहाँ करने वाले हैं कि किसी भी टू डी मोशन को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसे दो वन डी मोशन में कन्वर्ट कर दीजिए उसके बाद आप उसे हर डायमेंशन में अलग अलग मोशन कंसिडर करके काम कीजिए देन दोनों को एक कर दीजिए फिर से तो देखते हैं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है अच्छा ऐसे मोशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या है सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल्स आपको बताऊं तो मैंने आपको कल भी बोला था कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है या एक फुटबॉल है मान लीजिए इस फुटबॉल को यहाँ से किसी ने किक किया जब किक करेंगे तो ये इस तरीके से मूव हो के यहाँ पे गिरेगी कहीं आके यहाँ आके गिरी इसका ये जो मोशन हुआ दिस मोशन इज टू डी मोशन या एक प्लानर मोशन हुआ टू डी क्यों बोलूंगा क्योंकि देखिए ये हॉर्जेंटल डायरेक्शन में आगे बढ़ी इसका पोजिशन चेंज हुई ये पहले यहाँ थी फाइनली यहां पहुंच गई और वर्टिकल डायरेक्शन में भी इसकी पोजिशन चेंज हुई यहाँ थी यहां पहुंची फिर यहां पहुंची फिर यहाँ इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में भी इसकी पोजिशन चेंज हुई है यानी इसका मोशन दो डायमेंशन में हुआ एक ऑरिजेंटल डायरेक्शन में दूसरा जो ऐसा था दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में जो इस डायरेक्शन में था तो मान लीजिए मैं यहां इसको वाई एक्सिस बोलता हूं इसे एक्स एक्सिस बोलता हूं ऑरिजेंटल को एक्स एक्सिस बोल दिया वर्टिकल को वाई एक्सिस बोल दिया तो इसका मोशन जो हुआ वो दो डायरेक्शन में हुआ ऐसे ही और मोशन क्या हो सकते हैं अगर मैं बात करूं एक सर्कुलर मोशन की सर्कुलर मोशन मतलब आपने क्या किया एक ऑब्जेक्ट लिया उसको एक रस्सी से बांध दिया ये एक ऑब्जेक्ट लिया इसको एक रस्सी से बांध दिया रस्सी का ये सिरा अपनी उंगली में आपने लगा दिया और आप इसको घुमा रहे, लगाता इसको से से रहे हो लगातार इसको उंगली से इस तरीके से घुमा रहे हो जब घुमाओगे तो क्या होगा ये एक सर्कुलर मोशन में आएगा एक सर्कुलर मोशन में ये ट्रैवल करेगा जब सर्कल में ट्रैवल करेगा ऐसे मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन और यहां भी आप देखिए कि ये टू डी मोशन है ये भी कैसा मोशन है एक टू डी मोशन है क्यों क्योंकि ये जो पूरा सर्कुलर मोशन है ये हमेशा इस प्लेन में ही हो रहा है दिस दिस इज ऑलवेज इन प्लेन दूसरी बात अगर आप देखना चाहें कि किधर किधर इसका वेरिएशन हो रहा है तो इस डायरेक्शन में इसके पोजिशन का वेरिएशन हो रहा है बिल्कुल हो रहा है कभी ये यहाँ था फिर जब ये यह यहां पहुंच जाएगा तो इसका पोजिशन ये हो जाएगी जब यहाँ पहुंच जाएगा तो इसकी पोजिशन ये हो जाएगी यहाँ था तो इसकी पोजिशन ये हो जाएगी मतलब ये यह यहाँ से यहाँ तक आया इस पूरे में इसकी पोजिशन वेरी करी ऐसे ही ये यह यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा तब भी इसकी पोजिशन वेरी कर रही है तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी पोजिशन वेरी कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी पोजिशन वेरी कर रही है तो दिस इज ऑल्सो टू डी मोशन तो टू डी मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं लेकिन उन सबको पढ़ने का तरीका जो हमारे पास है वो यही है कि हम उन सारे टू डी मोशन को दो वन डी मोशन में कन्वर्ट कर दें अलॉन्ग टू परपेंडिकुलर एक्सिस दो परपेंडिकुलर एक्सिस पे वन डी मोशन कंसिडर कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए अब वो कैसे करेंगे <coughs> तो सबसे पहले इसके लिए अपन बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की हमारा जो ये चैप्टर है इसमें जो मेन पार्ट रहेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन का रहेगा तो हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? है तो ये भी एक टू डी मोशन ही है तो ये भी एक टू डी मोशन लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है इसमें डिफरेंट यह है कि ये होता है अंडर ग्रेविटी ये होता है अंडर ग्रेविटी दिस इज अंडर ग्रेविटी तो ग्रेविटी में कैसे तो जैसे एक फुटबॉल वाला जो हमने एग्जांपल लिया था वो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है फुटबॉल यहाँ पे है आपने इसको किक किया किक किया मतलब इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी थी लेट्स से यू वेलोसिटी इस यू वेलोसिटी के साथ ये यहाँ पे आगे चला और लेट्स से यहाँ आके कहीं गिरा आप अगर ध्यान से देखें तो इस पूरे टाइम पे क्योंकि फुटबॉल को क्या है ये थोड़ी देर हवा में चलेगी और फिर आपस ग्राउंड पे गिरेगी दिस इज ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल अर्थ या आप सरफेस कह सकते हैं और उससे ऊपर कुछ देर हवा में रही तो जब तक ये हवा में थी तब तक इसपे नीचे की तरफ हमेशा एक फोर्स लगता रहा दिस फोर्स इज एम जी हमेशा इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगा दिस फोर्स इज इक्वल टू एम जी किसी भी पोजीशन पे आप देख लीजिए हर पोजीशन पे इस पे एक फोर्स लगने वाला है एमजी नीचे की तरफ हर पोजीशन पे इस पे नीचे एक फोर्स लगेगा सेम फोर्स आपका वर्टिकल डायरेक्शन या वाई एक्सिस ये तो वाई एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस की अगर बात करूं हा तो तो श्रुति म्यूट कर लो अगर एक्स एक्सिस की बात की जाए तो एक्स में क्या है इस बात करते हैं भैया है जो आप फोर्स इस पे लग रहा है। आपने तो इसको किक मार दिया है आपका कोई कॉन्टेक्ट तो आप नहीं, तो नहीं है फुटबॉल से अब जो इस पे फोर्स लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ का लग रहा है नीचे की तरफ एम इस फोर्स लग रहा है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसे पुल कर रहा है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर कोई बात करें इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या नहीं इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस तो हम कह सकते हैं कि यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि जो इस पे एकमात्र फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली फोर्स इज इन वर्टिकल डायरेक्शन और वो फोर्स कितना है वो फोर्स है इसका एम जी के बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ऐसा मोशन जिसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो दूसरे डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ना हो ऐसे मोशन को आप बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है दूसरे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है वेलोसिटी दोनों ही डायरेक्शन में है इसका जो मोशन हो रहा है वो दोनों डायमेंशन में हो रहा है ऐसे मोशन को बोला जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन मेनली ये किसमें पढ़ते हैं हम अंडर ग्रेविटी तो आप अब हर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप यहां से उछालेंगे दिस इज इरेजर इरेजर को अगर मैं यहां से उछाल के इस तरफ लेके आता हूं तो यहां इसका ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ ऐसे गिरा यहां तक आके क्या हुआ यहां से जब चला तो ये इस तरफ आके गिरा दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन आपने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी यहां से चलना किया, तो इस डायरेक्शन में भी डिस्टेंस ट्रेवल करी ये यह पहले यहां था अब ये यह यहाँ आ चुका है इस डायरेक्शन में भी इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में भी ये ऊपर गया था फिर से यहाँ तक आया तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी इसने मोशन किया तो ऐसा मोशन कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इसका एक्सेलरेशन या कोई फोर्स पे नहीं है दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन अब हमें इसको पढ़ना कैसे है हमें इसको पढ़ना है दो वन डी मोशन में तोड़ के प्रोजेक्टाइल तो मोशन इसको हम दो मोशन में तोड़ देंगे एक बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल मोशन दूसरा बोला जाएगा वर्टिकल मोशन ऐसे दो मोशन में अगर इसको तोड़ देंगे तो अपन आराम से इसकी स्टडी कर पाएंगे हॉरिजॉन्टल मोशन की हमने बात करी हॉरिजॉन्टल में मान लीजिए इसको मैं एक्स एक्सिस बोलता हूं तो इसको मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस इसको मैंने बोल दिया वाई एक्सिस ठीक है तो ए एक्स ये जीरो है, में है ही नहीं

स्पीड से थीटल फिर करते थे जिधर थीटा उधर कॉसा कम्पोनेट तो यहाँ पे यू एक वैक्टर है इसके कम्पोनेंट लेने हैंट आएगा तो यहाँ जो कम्पोनेंट आएगा वो यू कॉस थीटा आएगा और यहाँ जो कम्पोनेट आएगा वो यू साइन थीटा आएगा तो अगर मैं दोनों डायमेंशन में इनिशियल स्पीड की बात करूं तो इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन कितना है यू कॉस थीटा देखिए ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है एक्स की तरफ इनिशियल स्पीड यू कॉस थीटा ऐसे वाई की तरफ इनिशियल स्पीड कितनी है यू साइन थीटा ऊपर को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की

यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया एक्स डायरेक्शन में वो हो गया रेंज के बराबर आर के बराबर अच्छा वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो देखो ये चलना शुरू हुआ था यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है वाई डायरेक्शन में तो ये पहले ऊपर गया फिर वापस देखिए नीचे आना शुरू हो गया तो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वाई इज जीरो क्यों क्योंकि ये ग्राउंड पे था पहले अभी भी वापस ग्राउंड पे है हाइट तो इसने कोई नेट हाइट तो अचीव ही नहीं करी ऊपर गया था लेकिन फिर से उसी लेवल पे आ चुका है

यहाँ पहुंचने के बाद फिर ये नीचे भी आ रहा है और इधर भी चल रहा है ऐसा मोशन इसका लगातार चल रहा है तो दोनों में सेम टाइम के लिए चला ये जो सारी चीजें है ना ये आपका हर एक क्वेश्चन सोल्व करा सकती है प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर आप ये बनाना सीख गए तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन का हर क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे क्यों कर पाएंगे क्योंकि अब आपको इन दोनों मोशन को अलग अलग करना है ये इससे अलग हो जाएगा इधर की सारी इक्वेशंस आपको पता है आप इक्वेशंस क्वेश्चन यहाँ लगाओगे

तो अब अपन इसके क्वेश्चंस बनाते हैं जो है अब वो प्रूफ है ये जो प्रूफ आने वाला है वो आपके बोर्ड्स में भी काम आएगा और जेई के हिसाब से नीट के हिसाब से भी ये काम आता है तो आपकी जो बोर्ड्स की क्लासेस हैं वो यही चल रही हैं मतलब आप ऐसा मत सोचिएगा कि बोर्ड्स के लिए मैं कुछ अलग से पढ़ाने वाला हूँ ये जो अपन डेरिवेशन कर रहे हैं वो सारी बोर्ड्स के हिसाब से भी काम आएंगे तो मैं बस आपको बता दूंगा कि कौन सी चीजें बोर्ड्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है कौन सी नहीं है क्या कौन सी चीज बोर्ड में पूछी जाती है नहीं पूछी जाती है पर ऐसा नहीं है कि हम बोर्ड्स के लिए इन सबको फिर से पढ़ने वाले हैं ऐसा नहीं होगा हम जो पढ़ रहे हैं वो सेम कॉन्सेप्ट से फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं वो बोर्ड्स में भी वही है वो जेई और नीट में भी वही पूछा जाता है लेवल अलग अलग हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट जो जेई नीट में एडवांस में होते हैं वो बोर्ड्स में नहीं होते ऐसा जरूर पॉसिबल है लेकिन कॉन्सेप्ट सारे होके वही है तो मैं आपको बताता चलूंगा साथ साथ में कि कहां के लिए इम्पोर्टेंट है कहा नहीं है और कौन सा जेई के लिए इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है ये चीजें हम हम साथ में भी करेंगे तो डेरिवेशन करने वाले हैं इसके सारे पैरामीटर्स का वो डेरिवेशन आपसे बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है तो डेरिवेशन क्या है इस बारे में बात करते हैं तो जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इस प्रोजेक्टाइल मोशन में सिचुएशन क्या हो गई कि ये ग्राउंड हो गया यहाँ से आपने इसको प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में तो इसका जो बात होगा वो कुछ ऐसा होगा यहाँ गिरेगा प्रोजेक्शन किया एट ए स्पीड एंगल थीटा हमने बोला था कि यहाँ जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या हैं देखिए पहला पैरामीटर आता है रेंज का कि कितना दूर जाके गिरा इसे डिनोट करते हैं आर से दिस इज फर्स्ट पैरामीटर सेकेंड पैरामीटर जो यहाँ बनता है वो बनता है कि ये कितना ऊपर गया मैक्सिमम हाइट इसने कितनी करी? कितना इसने कितनी अचीव अचीव करी करी मैक्स कितना मैक्सिमम हाइट दिस हवा में रहा ऐसे तीन पैरामीटर है पे अपने को बात करनी है जिनके अपने को फॉर्मुलाज डिराइव करने हैं और ये फॉर्मूलाज आपको याद कर रखने हैं तो चले फॉर्मूला डिराइव करते हैं हमने बात कर ली कि एक मोशन हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस पे दूसरा मोशन हम देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में या वाई एक्सिस पे इनके पैरामीटर्स क्या क्या थे मैं फिर से आपको बता देता हूँ इनिशियल स्पीड इन एक्स था यू कॉस थीटा ये कहा से आया था यहां से आया था इस डायरेक्शन में कंपोनेंट यू कॉस थीटा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट यू साइन थीटा ये कंपोनेंट्स आए थे इधर जो इनिशियल स्पीड आई थी वो आई थी यू साइन थीटा इधर जो एक्सेलरेशन वो आया था जीरो क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है एक्सेलरेशन इज जीरो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आया था एम जी की वजह से नीचे जी लगता है हम अपवर्ड पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो माइनस जी ऐसे डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेंज यहां से चल के यहां तक पहुंचा दिस इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेंज

तो पहली इक्वेशन अपन बनाते हैं यहाँ से टाइम ऑफ लाइट की इक्वेशन बना लेते हैं सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की तो टाइम ऑफ की इक्वेशन से आएगी इक्वेशन आएगी यहाँ से वाई डायरेक्शन की मैं बनाता हूं एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी इसमें अगर मैं सारी वैल्यूज पुट करूं तो देखिए एस वाई कितना है एस वाई है जीरो U i कितना है U sine theta टाइम कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हाफ a y कितना है minus g यहाँ कितना है t square के बराबर यहाँ से अपने को t चाहिए तो देखिए ये u sine theta into t इधर आ जाएगा two इधर आ जाएगा तो two u sine theta into t is equal to g into t square तो एक t से एक t कैंसिल हो गया यहाँ से आपके पास finally t आंसर क्या आया फॉर्मूला जो आपको याद रखना है हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट अच्छा इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं तो देखिये यहां पे है यू साइन थीटा यहाँ पे क्या बन रहा है यू साइन थीटा यहाँ पे बन रहा है यू साइन थीटा दिस यू साइन थीटा इज नथिंग बट

एक्स वाला फॉर्मूला लगाते हैं S U, T T square, सारे के 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 साथ कितना 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 है SX है के बराबर. UX कितना है रेंज बराबर बराबर थीटा और जीरो तो ये सारी वैल्यूज मैं जगह डाला रेंज आर यू एक्स की जगह डाला यू इनटू टाइम ऑफ पीरियड टाइम

u cos theta into u sin theta by g एक तो ये relation मिलता है इसको मैं लिख सकता हूं देखिए u cos theta u cos theta sorry u cos theta क्या है u x u sin theta क्या है u y देख सकते हैं आप यहां पे u cos theta is u x <coughs> u sin theta is u y देख ले u cos थीटा यू एक्स यू साइन थीटा इज यू ये दोनों यहाँ पुट करते हैं तो मेरे पास यहाँ से आंसर आता है टू टाइम्स यू एक्स इंटू यू वाई वाई जी एक तो ये तरीका है रेंज निकालने का कि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटीज दे रखी हैं तो आप अपना सीधा सीधा आंसर यहाँ से बता सकते हैं दूसरा तरीका इसको अपन और लिख सकते हैं रेंज इज इक्वल टू देखिए u इंटू यू स्क्वायर यहां बनता है टू साइन थीटा कॉस थीटा बाय तो यहाँ से रेंज को और लिखा जाता है यू थीटा बाई जी दिस इज द रेंज साइन टू थी जी अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल U स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी वेर यू इज द प्रोजेक्शन स्पीड थीटा प्रोजेक्शन एंगल g, g. अपन जानते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर तीसरी चीज जो अपनी बचती है वो बचती है मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट अभी मैक्सिमम हाइट कैसे निकालें डायग्राम वापस देखते हैं एक बार मैक्सिमम हाइट मतलब जब पार्टिकल यहां से फेंका गया और ये चल के यहां तक पहुंच जाएगा दिस इज द मैक्सिमम हाइट इस टाइम पे ग्राउंड से कितना ऊपर है ये अपने को देखना है इस टाइम पे इस सरफेस से कितना ऊपर है ये अपने को चाहिए ओके okay. अगर मैं मैक्सिमम हाइट की बात करूं तो इस टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट कब अचीव हो सकती है अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका उसके पास एक ऊपर 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 की की तरफ तरफ वेलोसिटी वेलोसिटी है है तो जब तक उसकी तरफ है, वो चलता ही चला जाएगा चलता ही चला जाएगा पर क्योंकि नीचे जी लग रहा है उसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी धीरे 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 कम होगी पर एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उसके बाद क्या होगा उसके बाद वो तो नीचे गिरना शुरू करेगा तो मैक्सिमम कब हाइट पे था वो जब उसकी वेलोसिटी जीरो थी तभी तो वो ऊपर जा रहा था जा रहा था वेलोसिटी जीरो रुका उसके बाद वो नीचे आया तो वेलोसिटी जब जीरो हुई तब वो था मैक्सिमम हाइट पे कौन सी वेलोसिटी अपवर्ड वेलॉसिटी जब जीरो हुई तो वो मैक्सिमम हाइट पे था ये अपने को यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि यहाँ हम बोलेंगे जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचेगा इस टाइम पे इसकी जो वर्टिकल स्पीड है वो है जीरो वी वाई जीरो एट दिस पॉइंट तभी तो इसको मैक्सिमम हाइट बोला जाएगा Yes. ये बात अपन यहाँ यूज करते हैं एट मैक्सिमम हाइट इट्स अब अपन आराम से निकाल सकते हैं सारा अपन लगा रहे हैं वाई डायरेक्शन में क्योंकि तो डिस्प्लेसमेंट या हाइट कैसे है वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है तो वाई में अपन लगाएंगे हमने बोला की मैक्मम हाइट पे जब भी था तो वेलॉसिटी होगी जीरो अभी हमने देखा ये बात इनिशियल वेलोसिटी थी u साइन थीटा आप चाहें तो आप इस चेक कर सकते हैं देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u साइन थीटा के बराबर थी एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी के बराबर है तो यहां से आ जाएगा प्लस टू एक्सेलरेशन इज माइनस जी और डिस्प्लेसमेंट इसका जो यहां पे हो रहा है वो रहा है एचमेक्स के बराबर हम हाफ की बात कर रहे हैं हमने हमने कौन सा पे पे लिया है? H -max वाला तभी तो जीरो लिया है जब ये पे है है वाला तभी तो उस वाली अपन अपन बात कर रहे हैं यहां से इसको प्रोजेक्ट किया है ये यह यहाँ तक पहुंचा है इस वाले डिस्प्लेसमेंट को अपन बात कर रहे हैं दिस इज एस वाई यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ये थी इसकी यू साइन थीटा क्योंकि ये थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया था विद स्पीड यू जी हमेशा नीचे की तरफ लगता है तो एक्सोलेशन यहाँ पे माइनस ए के बराबर है तो यहाँ से मिलता है, यह मिलता है square square 2G. H जो हमें याद रखना है अच्छा इसका और क्या लिख सकते हैं दिस इज यू साइन थीटा होल स्क्वायर वाइन थीटा यू साइन थीटा इज नाई डायरेक्शन की ऐसा भी लिखा जा सकता है स्क्वायर तो so, ये तीन जो पैरामीटर्स हमने देखेक्टाइल मोशन के, के केस में बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। मैं फिर से बतायाता हूँ किसी भी मोशन को जो टू डी मोशन है उसे दो इंडिविजुअल वन डी मोशन में कन्वर्ट किया जा सकता है देख लीजिए कौन कौन से मोशन हो सकते हैं ये मोशन एक हॉरिजॉन्टल की तरफ हो रहा है एक वर्टिकल की तरफ हो रहा है इसे हमने दो में कन्वर्ट कर दिया एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल x x बोला बोला एक को y पहले हॉरिजॉन्टल के सारे पैरामीटर्स देख लीजिए इनिशियल स्पीड क्योंकि ये u u u यहां यहां था था थीटा याँ याँ था, थीटा थीटा कंपोनेंट cos और sin कंपोनेंट्स हमें मिले x डायरेक्शन में u cos थीटा इनिशियल स्पीड इज u cos थीटा एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में कुछ नहीं होता एक्सीलरेशन जीरो हो गया इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यहां से चल के फाइनली यहां वापस रुका तो रेंज इसको कहते हैं दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम इसको लगा यहां तक पहुंचने में टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम लगा सो टाइम इज टी ऐसे ही वर्टिकल मोशन की अगर बात करें तो इनिशियल यह स्पीड इज थीटा एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है सो एक्सेलरेशन इज डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें तो ये यहां से चला था वापस यहीं आ गया वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज जीरो

रेंज एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स डायरेक्शन का फॉर्मुला हमने यहाँ यूज किया सारी वैल्यूज एक्स के करस्पॉन्डिंग रखेंगे हम जानते हैं कि एक्स का एक्सेलरेशन होता है जीरो ये टर्म हो गए जीरो बचा ये यू कॉस टेन टू टी टाइम ऑफ फ्लाइट आपने यहाँ से कैलकुलेट करी थी उसको यहाँ सब्सिट्यूट किया फाइनली सॉल्व किया तो आंसर मिला u स्क्वायर साइन टू थीटा बाय ये साइन टू थीटा कहाँ से आया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन टू थीटा इज इक्वल थीटा कॉस थीटा दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो याद रखना है जिसको याद है अच्छी बात है नहीं याद है तो ये रिलेशन याद रहना चाहिए टू साइन थीटा, थीटा, थीटा क्या सबको रिलेशन मिल गया ये इसी रिलेशन को आप इनिशियल में इस तरीके से भी लिख सकते हैं टू यू एक्स यू बाई जी एंड सिमिलरली थर्ड जो आपने कैलकुलेट किया वो था मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट कब होती है जब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाती है

प्रूव करना भी आ गया है आप अगर आपके पास एग्जाम में प्रूव करने को आएगा तो कर पाएंगे इसे yes, no? जल्दी कर पाएंगे इसे yes, प्रूव ठीक है तो केवल हर्षिल को ही समझ में आया क्या बाकी लोग आदित्य अर्पित भूमिका yes, क्या से? Yes, आ, सभी लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए मुझे ठीक है भूमिका यस सर अंडरस्टैंड ओके नाइस यस सर ठीक है कृपा ननसे निष्ठा सात्या श्रुति तन्वी बहुत सारे लोग हैं यार यस yes सर हां ठीक है चलिए तो यहाँ तक की सारी बातें आपको जो है वो क्लियर हो चुकी हैं ये सारे फार्मूलास जो हैं आपको अब ध्यान रखने हैं आप अपने लिए एक फार्मूला लिस्ट साथ में बनाते चलिए जो पहले चैप्टर के फॉर्मूलाज थे उसमें बहुत ज्यादा फॉर्मुलाज तो थे नहीं मेनली जो पांच आपने पढ़ी थी उसके बाद दोनों को मिला के टाइम को हटा के और तीसरा रिलेशन आप फिफ्थ रिलेशन आपने बताया टेंथ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट वो पांचों इक्वेशन आपको लिखनी है साथ में जो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन थी वो आपको लिखनी है जैसे वे लॉस टू इक्वल टू डी एस बाई डी टी

कुछ कुछ बातें क्या हैं तो कुछ कुछ बातों में पहली बात जो आती है वो आती है रेंज की. रेंज की का फॉर्मूला बोला दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज ओके अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले ना उस ताकि अपने को एक फॉर्मूला लगाने आ जाए एक क्वेश्चन सबसे पहले कर लेते हैं उसके बाद अपन बातें करेंगे कुछ कुछ तो पहला जो क्वेश्चन है अपने पास यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने लेट्स uh, से 20 मीटर पर सेकंड से फेंका एट एन एंगल 37 सेवन इससे आपने इसको प्रोजेक्ट किया आपसे पूछा गया कि बताइए ये, ये कितनी दूर जाके गिरेगा डिस्टेंस ऑफ लैंडिंग पॉइंट

इट रिमेन इन एयर ये तीन बातें आपसे पूछी गई है कहीं भी आपसे वो बातें नहीं बोली गई कि यहाँ रेंज क्या है यहाँ पे हाइट क्या है यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है लेकिन यहाँ से बात समझ में आनी चाहिए कि डिस्टेंस फ्रॉम लैंडिंग पॉइंट डिस्टेंस ऑफ लैंडिंग पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ तो प्रोजेक्शन तो ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई है कि भैया ये यहाँ जाके इस तरीके तो से गिरेगा ये इसका लैंडिंग पॉइंट हो गया ये इसका प्रोजेक्शन पॉइंट हो गया इन दोनों के बीच के डिस्टेंस आपसे पूछी गई है तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस इज नथिंग बट रेंज तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे रेंज पूछी गई है सेकेंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड ग्राउंड से अगर डिस्टेंस देखना है तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा तो ऊपर मैक्सिमम कितना डिस्टेंस गया तो दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस एच मैक्स ये यहाँ पे पूछा गया आपसे सेकंड क्वेश्चन में एच मैक्स बताइए और थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया टोटल टाइम इट रिमेंड इन एयर टोटल टाइम इट रिमेन इन एयर टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ फ्लाइट टी ये आपसे पूछा गया कि कितना टाइम ये हवा में रहा टाइम ऑफ फ्लाइट तो तीनों अपने पास हैं मैं फॉर्मुलाज लिखता हूँ आंसर आप बताएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है टू यू साइन थीटा बाई जी दिस इज द दमूला रेंज का जो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी और एचम का जो फॉर्मूला होता है यू स्क्टा बाई टू जी फॉर्मूला सेकेंड देखिये क्वेश्चन में क्यों बने इनिशियल स्पीड इज ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थर्टी सेवन थी आपको दे रखा है थर्टी सेवन डिग्रीज अब ये आपको सारी चीजें कैलकुलेट करनी है पहले स्पर्ट करो आंसर बताओ अपनी आ, मीटिंग भी शायद अभी खत्म होने वाली है तो फिर से ज्वाइन करते हैं एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करते हैं